I'll play along. But if I died, somebody must be waiting for me to come home. You miss the old life. Do you? Every day. This is war, दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस की फिल्मों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म अपने एक्शन सीन और कार रेस के लिए जाने जाती हैं। इसमें फैमिली और दोस्तों को साथ दिखाया जाता है। हाल ही में इस फिल्म का 10वां पार्ट रिलीज किया गया था जिसको दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। इस मूवी में हमें जेसन मोमोआ का नेगेटिव किरदार देखने को मिला। उन्होंने इस मूवी में जबरदस्त काम किया है और बाकी कास्ट का काम भी बहुत अच्छा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां फास्ट एक्स का एंड हुआ था वहीं से इसके दूसरे पार्ट की कहानी को दिखाया जाएगा। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की जोरदार घंटी है। अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो इसकी बाकी दो सीक्वल फिल्मों का हाल और खराब हो सकता है। तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस 10 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर बहुत दमदार दिख रहा है। इसमें हमें फास्ट एंड फ्यूरियस की कास्ट और जेसन मोमोआ विलन के रूप में दिख रहे हैं और इसके ट्रेलर को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ये फिल्म हमें 19 मई को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हॉलीवुड मूवी के सुपरस्टार विन डीजल के फैन तो पूरी दुनिया में हैं और भारत में भी उनके फैंस की कोई कमी नहीं है और फैन उनकी आने वाली हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको उनकी आने वाली एक जबरदस्त मूवी की अपडेट बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये फिल्म है फास्ट एंड फ्यूरियस 10। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जस्टिन लिन और दोस्तों ये फिल्म हॉलीवुड की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म में लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विन डीजल और इसके अलावा इस फिल्म में टायरस गिब्सन, जॉन सिना, मिशेल रॉड्रिग्स भी दिखेंगी। दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की तो पूरी दुनिया दीवानी है और दोस्तों ये मूवी रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित होती है। तो दोस्तों आपका फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा।